हे दोस्तों, अगर आप भी वेट गेन की प्रॉब्लम से परेशान हैं, कितना भी खाते हैं पर वज़न बढ़ता ही नहीं, हर बार दोस्तों या फिर डॉक्टर से टिप लेते हैं फिर भी वज़न बढ़ता नहीं, तो आज आपका ये दोस्त आपको बताएगा कि हेल्दी वे में वेट कैसे गेन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आपका वज़न न बढ़ने के क्या कारण है। आपका वज़न न बढ़ने का पहला कारण हो सकता है कि आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। खाते हो पर बैलेंस मील नहीं लेते। अगर आपको बैलेंस मील पता नहीं क्या होता है तो मैंने इसके ऊपर पहले ही वीडियो बनाया है, आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो जाके देख सकते हैं। या फिर आपका रूटीन या फिर काम की वजह से आप कम खाते हो, समय समय पर नहीं खाते, एक्सरसाइज ज़्यादा करते हो और पोषण कम लेते हैं, जिसके कारण आप जितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं उतनी कैलोरीज प्रोवाइड ही नहीं कर रहे अपने बॉडी को। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि आपके शरीर में आयरन की कमी हो, जो कि इंडिया में अधिकतर लोगों को आयरन की कमी होती है। आयरन की कमी से ही लोगों को भूख नहीं लगती। तीसरा कारण ये हो सकता है कि विटामिन B12 की शरीर में कमी हो, विटामिन B12 के कारण भी आपका वजन कम होता है। चौथा कारण ये हो सकता है कि आपको डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस हो, डिप्रेशन और स्ट्रेस की वजह से भी इंसान को भूख कम लगती है और वजन कम होता है। पांचवा कारण ये हो सकता है कि आप बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं पर उस हिसाब से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते, और कारण इस कारण से भी आपका वजन नहीं बदलता। कई लोगों को ये लगता है कि जंक फूड खाकर वो अपना वजन बढ़ा सकते हैं, उनको ये बहुत ही इजी, चीप और स्टेप फॉरवर्ड तरीका लगता है, तो ऐसा नहीं है। जो वेट गेन है वो भी हेल्दी तरीके से ही होना चाहिए, और जो जंक फूड है वो हाईली प्रोसेस्ड होता है, उसमें बहुत ज़्यादा नमक, शुगर और रिफाइंड ग्रेन्स होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी जो हमारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो हो सकते हैं। तो आप जंक फूड का सहारा बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये रिस्क बढ़ाएगा आपकी डायबिटीज होने का, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, दिल की बीमारियां और यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है अगर आप जंक फूड का ज़्यादा सेवन करते हो। तो आपने क्या चीज़ें करनी चाहिए? आप अपने खाने से एक या आधे घंटे पहले पानी का सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि वेट गेन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारा फूड का इंटेक ज़्यादा हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करें, और अगर हम खाने से पहले या फिर खाते वक्त ज़्यादा पानी पी ले तो हमारा फूड का इंटेक कम हो जाता है। हम जो खाना खाते हैं उसे कैलोरी इस यूनिट में मेजर किया जाता है। तो एक कैलोरी कितनी होती है? तो एक किलोग्राम पानी को गर्म करने के लिए कितनी एनर्जी लगती है वह एक कैलोरी होती है। हम हर जो चीज़ खाते हैं उनमें कैलोरीज होती है। एक एवरेज पिज्ज़ा स्लाइस में 272 कैलोरीज होती है, एक ब्रेड में 78 और एक एप्पल में 52 कैलोरीज होती है। हमारे शरीर को हर एक काम करने के लिए एनर्जी लगती है। इवन जब हम सो रहे होते हैं तब भी हम सांस ले रहे हैं, खाना डाइजेस्ट हो रहा है और शरीर में अंदर खून का बहाव जारी है। इन कामों के लिए भी एनर्जी लगती है। इसलिए जो खाना हम खाते हैं या फिर कैलोरीज खाते हैं तो खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को ही मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो हम जो कैलोरीज खाते हैं वह तीन कामों से बर्न होती है, डाइजेशन, फिजिकल एक्टिविटी और बेसिक बॉडी फंक्शन को सपोर्ट करना। एवरेज देखा जाए तो एक पुरुष को इन सारे तीन कामों को करने के लिए 2700 कैलोरीज लगती है और एक महिला को लगभग 2200 कैलोरीज। तो अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको जितनी कैलोरीज आपके डेली बॉडी फंक्शन को कंप्लीट करने की लगती है उससे ज़्यादा कंज्यूम करनी होगी। और दिन में जस्ट 3 मील्स लेने की जगह लाइक आपने ब्रेकफास्ट लिया, लंच किया और फिर डिनर लिया, इस पैटर्न की बजाय आप कोशिश कीजिए कि आप दिन भर में फ्रिक्वेंटली खाते रहे, यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के अलावा भी बीच में आप स्नैक्स जरूर लें, जो कि बहुत हेल्दी स्नैक्स हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंट आप नट्स ले सकते हैं, सीड्स ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, और इसके अलावा आप नट्स और ड्राई फ्रूट्स को गुड़ में पका के उसके छोटे लड्डू बना ले और जब आपको भूख लगे तो बीच बीच में खाते रहे। इसके अलावा हमेशा ध्यान रखें कि अपने लिए बहुत बड़ी प्लेट ले जब भी आप खाना सर्व करते हैं। तो साइकोलॉजिकली ऐसा होता है कि अगर हम छोटी प्लेट में खुद को खाना सर्व करें तो हम कम खाना डालते हैं, और अगर हम बड़ी प्लेट ले तो हम ऑटोमेटिकली ज़्यादा खाना डालते हैं। इसके बाद आप दूध और दूध से बनी चीज़ें ज़रूर लीजिए, जैसे दूध, दही और पनीर, इनका आप सेवन कीजिए क्योंकि इन सब में प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इसके अलावा कैल्शियम और गुड फैट भी इसमें होता है, जो कि आपका वेट गेन करने में आपको मदद करेगा और आपकी हड्डियाँ और मांसपेशियों को मजबूत करने में भी आपकी मदद करेगा। आपको आपके कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन का खास ख्याल रखना है, और इसका भी आपको ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट खराब सोर्स से मत लीजिए, यानी कि
ब्रेड, बिस्किट, चिप्स, भुजिया, रस्क, इन सब चीज़ों से कार्बोहाइड्रेट न लेके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लीजिए, जो कि आपको मिलेंगे स्वीट पोटैटो में, आलू में, राइस में, चपाती में और कॉर्न में। इसके अलावा आप अपनी स्लीप का भी खास ध्यान रखें। हमारी बॉडी के जितने भी रिपेयरिंग फंक्शन होते हैं वो सारे सोते समय ही होते हैं, और अगर हमारी डाइट बहुत अच्छी भी रहेगी और हम रात को अच्छी नींद नहीं ले रहे तो उस केस में भी हमारे लिए वेट गेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एक अच्छी स्लीप भी वेट गेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके साथ साथ आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। आप में से कई लोग को ये सुनकर उल्टा लग सकता है कि अभी भाई तुमने कहा कि अपना कैलोरी का जो इंटेक है उसे बढ़ाना है, ज़्यादा कैलोरीज लेनी है, तो अगर हम एक्सरसाइज करने लगेंगे तो ये कैलोरीज बर्न हो जाएंगी। तो यदि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि वेट उठाने वाली एक्सरसाइज करेंगे, तो उससे आपका मसल मास बढ़ेगा और आपका हेल्दी वे में वेट गेन होगा। तो अगर आप बताए हुए इन सभी स्टेप को अच्छे से फॉलो करें तो ये आपको हेल्दी वे में वेट गेन करने के लिए बहुत मदद करेंगे। और इसी के साथ अगर आप हर रोज़ एक्सरसाइज करें तो वो आपको आपका मसल मास बढ़ाने के लिए भी मदद करेगा।